हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज प्रभाकर मंडल, यू आर वाचिंग डी टू ट्यूटोरियल हिंदी। तो हे गाइस, आज की वीडियो में हम लोग मॉडलिंग करने वाले अमेजिंग सा चीज जो अभी आपके स्क्रीन में दिख रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ब्लेंडर को ओपन कर लेते हैं। ए प्रेस करके सब कुछ सिलेक्ट हो गया और अब हम इनको डिलीट कर देते हैं। और अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे कॉर्न, यहाँ पे मर्स, और यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे है कॉर्न, यहाँ पे इनको ऐड कर लेते हैं। और कोने की तरफ है ऐड कॉर्न, और यहाँ पे रेडियस 2 को हम लोग कर लेते हैं 0.25, और यहाँ पे जो डेप्थ है इनको हम लोग ले लेंगे 15, यहाँ पे जो वर्टिसेस है इनको हम लोग ले लेंगे 12। So, यहाँ पे वर्टिसेस को लेंगे 12 और रेडियस 1.53 m, रेडियस 2 0.48 m और डेप्थ 15 m। ओके, तो यहाँ का काम हो गया, इनको हम लोग नीचे कर लेते हैं। और यहाँ पे जो रोटेशन है इनकी y को हम लोग कर लेंगे 90 डिग्री। और अब हम जाएंगे एडिट मोड पे, सो टैप प्रेस करके चला जाएंगे एडिट मोड पे, और यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे फेस, और इनका हम लोग फर्स्ट और इनका एंड जो है यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके हम लोग दूसरा वाला सिलेक्ट कर लेंगे। और ये देखो, ये दोनों सिलेक्ट हो चुका है। और अब हम एक्सप्रेस करेंगे और यहाँ पे कर लेंगे फेस, और ये देखो दोनों ही तरफ जो है ये गायब हो गया। और अब हम टैप प्रेस करके चला जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड पे, यहाँ पे देखो ट्रांसफॉर्म का यहाँ पे जो स्केल है इनका जेड को हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। ओके, तो स्केल का जो जेड है इनको हम लोग रखते हैं 3.620। और अब हम टैप प्रेस करके चला जाएंगे एडिट मोड पे, और यहाँ से हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे लॉक कट। ये देखो यहाँ पे लॉक कट, इनको हम लोग सिलेक्ट कर लिया। और ये देखो इनकी मिडिल पे एक राउंड आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ लेफ्ट टैप करो, और यहाँ पे देखो कोने पे है लॉक कट एंड स्लाइड, यहाँ पे टैप करो। और इनका जो कट्स है यहाँ पे इनको पीसेस लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं 25। और अब इनको नीचे कर लेते हैं। और अब हम टैप प्रेस करके चले जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड पे, और यहाँ से हम लोग जाएंगे मॉडिफायर प्रॉपर्टीज पे। ये देखो यहाँ पे है, यहाँ पे टैप करो और ऐड मॉडिफायर, और यहाँ से हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे वायर फ्रेम, ये देखो नीचे है। और ये देखो ये कुछ इस तरह का हो चुका है, और यहाँ पे है थिक, इनको हम लोग रख देते हैं 0.03 m। और आप लोग देख सकते हो ये कुछ इस तरह का हो चुका है। और अब हम डायरेक्ट चला जाएंगे सेटिंग मोड पे, और यहाँ से इनको क्लियर कर लेते हैं, और इनको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, और यहाँ पे कर लेंगे न्यू। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे नॉट्स को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे बम्प नोट शिफ्ट ए, और अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे वोरोनोई टेक्सचर शिफ्ट ए, और अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे नॉइस टेक्सचर शिफ्ट ए, और अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे मैपिंग शिफ्ट ए, और अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे टेक्सचर को डिलीट शिफ्ट ए, और अब हम इन नोड्स को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे टेक्सचर को डिलीट का ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करेंगे मैपिंग का वेक्टर पे, और मैपिंग का वेक्टर को कनेक्ट करेंगे नॉइस टेक्सचर की वेक्टर पे, और नॉइस टेक्सचर की कलर को कनेक्ट करेंगे वोरोनोई टेक्सचर की वेक्टर पे, और वोरोनोई टेक्सचर की कलर को करेंगे बम्प नोट की हाइट पे, और बम्प का नॉर्मल को कनेक्ट करेंगे प्रिंसिपल बीएसडीएफ का नॉर्मल पे। और ये देखो कुछ इस तरह का हो चुका है। और यहाँ पे नॉइस टेक्सचर की जो स्केल है इनको हम लोग कर लेंगे 5.200, और यहाँ पे 3D को 40 कर सकते हैं। और यहाँ पे जो वोरोनोई टेक्सचर है इनकी स्केल को हम लोग कर लेंगे 5.200, और यहाँ पे जो वोरोनोई टेक्सचर है इनकी 3D को 40 कर सकते हैं, और F1 को F2। ओके, और अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे कलर रॉम शिफ्ट ए, और ये जो कलर रॉम है इनको हम लोग कनेक्ट करेंगे ये जो प्रिंसिपल PSDF है इनकी नीचे ही है इमिशन, यहाँ पे हम लोगों को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो कलर रंप है इनके कलर को हम लोग कनेक्ट करते हैं, ये देखो यहाँ पे इमिशन पे। ये जो नॉइस टेक्सचर है इनकी फेस को हम लोग कनेक्ट करेंगे ये जो कलर रंप है इनकी फेस पे, ये जो कलर रंप है इनकी लीनियर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे कॉन्स्टेंट पे, और यहाँ पे कलर को ले लेंगे, यहाँ पे लेते हैं हम लोग रेड, और दूसरा वाला पे लेते हैं ब्लू,
और ये जो ब्लू वाला है इनको थोड़ा सा हम लोग आगे की तरफ ले आते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काला जो ये बहुत फीका फीका हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे ब्राइट कॉन्ट्रास्ट शिफ्ट ए, ये देखो यहाँ पे है, और इनको हम लोग कनेक्ट करेंगे ये जो कलर रम और यहाँ पे नीचे जो इमिशन है इन दोनों की मिडिल पे। सो ये देखो कलर रम के कलर आगे कनेक्ट हो चुका है ब्राइट कॉन्ट्रास्ट के कलर, और ब्राइट कॉन्ट्रास्ट के कलर आगे कनेक्ट हुआ है प्रिंसिपल बीएसडीएफ का ये जो यहाँ पे इमिशन था यहाँ पे, और यहाँ पे जो ब्राइट कॉन्ट्रास्ट है इनका ब्राइट को कर लेंगे हम लोग 0.500, और नीचे जो है कॉन्ट्रास्ट इनको हम लोग कर लेंगे 10.500। ये जो कलर रंप है इनकी जो ये जो रेड वाला है इनको हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ कर लेंगे, और ब्लू वाला को थोड़ा सा नीचे करेंगे, और यहाँ पे जो ब्राइट कॉन्ट्रास्ट है इनकी कलर को हम लोग कनेक्ट करेंगे प्रिंसिपल्ड बीएसडीएफ की एक बेसिक कलर है यहाँ पे, तो ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अब हम लोग जाएंगे रेंडर प्रॉपर्टीज पे, यहाँ पे देखो कैमरा का ऑप्शन है यहाँ पे, और यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहिए ईवी, और यहाँ पे कुछ चीजों को टिक करना पड़ेगा जैसे एम्बिएंट ऑसिलेशन, ब्लूम, स्किन स्पेस रिफ्लेक्शन और मोटर एंड ब्लर। और यहाँ पे देखो यहाँ पे जो मैपिंग है यहाँ पे जो लोकेशन है इनका देखो यहाँ पे जो एक्स है इनको बढ़ाने से या घटाने से ये जो यहाँ पे ब्लू और रेड कलर है ये थोड़ा चेंजेस होगा, ये देखो ये कुछ इस तरह से चेंजेस हो रहा है। यहाँ से हम लोग इसे खींच के दो कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे टाइमलाइन, और की फ्रेम का ऑटो मोड को ऑन कर लेंगे, और यहाँ पे जो ये जो लोकेशन का एक्स है इनको सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे लगा लेंगे इंस्टेंट की फ्रेम, और यहाँ पे जो है एक्स का की फ्रेम यहाँ पे ऑटोमेटिकली बैठ चुका है, और यहाँ पे हम लोग जाएंगे अब 250 पे, ओके, और यहाँ पे जो एक्स है इनको हम लोग ले लेंगे 360 डिग्री 360 एंटर। और अब हम यहाँ पे जो है ऑटो की फ्रेम इनको हम लोग ऑफ कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग अब प्ले करके देखेंगे, ये देखो ये कुछ इस तरह का चेंजेस हो रहा है। ओके सो यहाँ का जो काम था वो कम्प्लीट हो चुका है, और अब हम जाएंगे लेआउट मोड पे, और अब हम 3 प्रेस करेंगे और राइट साइड से सीधे लाइन पे आ जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे एक कैमरा, और अब यहाँ पे ऐड, और ये देखो यहाँ पे है कैमरा, और इनको करेंगे स्केल। ये जो कैमरा है वो उस तरफ घुमा हुआ है, तो यहाँ पे कर लेंगे हम लोग 180 डिग्री 180 एंटर। ओके तो ये देखो अब ये इनके बिल्कुल सीधे पे आ चुका है, इनको करेंगे थोड़ा सा पीछे, और अब हम लोग 0 प्रेस करके चला जाएंगे कैमरा पे, इनको थोड़ा सा और पीछे करना पड़ेगा। और अब हम लोग जाएंगे इस कैमरा का ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टीज पे, यहाँ पे जो है फोकल लेंथ इनको हम लोग थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, इनको कर लेंगे हम लोग 16। ओके तो अब हम लोग 0 प्रेस करके इधर आ जाते हैं, और यहाँ पे हम लोग की फ्रेम को ऊपर कर लेते हैं, और यहाँ पे की फ्रेम का ऑटो मोड को ऑन कर लेते हैं, और ये जो कैमरा है यहाँ पे सिंपल एक टैप करो, और यहाँ पे देखो 1 पे एक की फ्रेम बैठ चुका है, और अब हम लोग जाएंगे 250 पे, और ये जो कैमरा है इनको स्लाइड करके हम लोगों को एंड तक ले आना है, ये जो ग्रीन वाला है ये है वाई, इनको सिंपली हम लोग स्लाइड करके एंड तक लेके जाएंगे, इनको हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं। और अब हम यहाँ पे की फ्रेम का ऑटो मोड को ऑफ कर देते हैं, और इनको हम लोग कर देते हैं नीचे, और अब हम जेड प्रेस करके चला जाएंगे मटेरियल प्रीव्यू पे, और अब हम जाएंगे वॉल प्रॉपर्टीज पे, ये देखो यह है यहाँ पे है, और यहाँ पे देखो सरफेस जो है ये बैकग्राउंड, और इनकी कलर को हम लोग ले लेंगे बहुत ज्यादा डार्क। ओके और अब हम जेड प्रेस करके चला जाएंगे रेंडर मोड पे, और यहाँ से जो है इनको हम लोग ऑफ कर लेंगे, पीछे का जो ग्राफ है वो हट जाएगा, और अब हम लोग 0 प्रेस करके चला जाएंगे कैमरा पे, और अब हम इनको प्ले करके देखते हैं। सो हे गाइस ये जो है बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, और इस वीडियो को शेयर करो, और ऐसे ही अमेजिंग ट्यूटोरियल सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन प्रेस करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।